हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ एक्टिवा की क्रैंक कैसे फिट करें और बिना वीडियो स्किप किए हुए आपने बिल्कुल पूरी की पूरी वीडियो देखना है और स्किप करोगे तो आप एक भी पॉइंट अगर बच जाता है तो फिर आपको वो समझ नहीं आएगा कैसे फिट की है। देखिए ये पूरा हमने जो सामान है इसका बिल्कुल साफ सफाई करके रख लिया है। अभी फिटिंग करना चालू करेंगे। आप देखिए आप बिल्कुल देखते रहिए, देखो कैसे इसको फिट करना है आपको मैं वो दिखाऊंगा, हर एक पॉइंट में बताया जाएगा। देखो जैसे रख ली इसमें मैंने आपको दिखाया, बीच में हमने वो स्लैग लगाई है बॉन्ड, हाँ वो पहले लगा ली थी, अभी वो लगा के मैं बिल्कुल लाइव दिखाता हूँ हर काम को, थोड़ा सा जिसमें आपको पकड़ बने। आप कहाँ दौड़ी हमारा ये मैकेनिक इसको मारने लग रहा है, कैसे इसको फिट किया, देखो बिल्कुल वो सही आ गया उसका सेट। एक एक नट जहाँ लंबा लगना वो तो आप खैर मैकेनिक है तो वो आप देखते रहे, जहाँ लंबा लगना वहाँ लंबा लगेगा, छोटा लगना छोटा लगेगा। आप इसमें डाल के देखिए, जैसे हमारा ये मिस्त्री चेक करने लग रहा है, जैसे हम देखते हैं वो साइज का पता लग जाता है आप उसमें नट डालोगे जब। देखिए इस मेरा मकसद इसकी क्रैंक को दिखाना ये है कि क्योंकि एक्टिवा की क्रैंक बहुत बहुत ही कम खुलती है, एक्टिवा की क्रैंक बार बार नहीं खुलती, एक्टिवा का हाफ इंजन ही होता लगभग, बहुत कम मौके होते हैं ऐसे जिसमें एक्टिवा की क्रैंक खुले, और बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि एक्टिवा में तो है ही कुछ नहीं नीचे इंजन में, क्रैंक में तो गियर वगैरह इसका यहाँ सेट नहीं करना होता। जी दोस्तों आप साथ के साथ देखते रहे और जो नया है वो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए वीडियो को, मेरा हौसला बढ़ाइए क्योंकि मैं समय समय पर, आज पहली बार ही ज़्यादातर मैं इलेक्ट्रिक स्कूटी की वीडियो डालता हूँ, आज पहली बार ही एक्टिवा की वीडियो डालने लग रहा हूँ और भगवान की दया से मेरे जो व्यूवर हैं उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया हुआ है मेरे चैनल, लगभग 2000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं और अच्छा मेरा चैनल भी मोनोटाइज हो चुका है आपकी वजह से, तो थोड़ा सा और सपोर्ट कीजिए और जिसमें मेरे को और थोड़ा सा उत्साह मिले और मैं नई नई वीडियो आपके सामने लेके आता रहूं। ये बिल्कुल मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूं जो गिरारी जहां फिट होती है कैसे कुछ फिट कर, एक बार दोबारा निकालिए इसने अनिल, दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हाँ जहाँ जो चीज़ लगेगी मैं बिल्कुल बारीकी से आपको दिखाऊंगा। इसका कोई कट वगैरह का है क्या, उसका फ़र्क ये समझा एक बार। तो बिल्कुल सामने आपको दिखाने लग रहा हूँ, देख के जो चीज़ जहाँ लगनी है इसका कुछ नहीं, और मैकेनिक भाई को बस इतना तो काफ़ी हो जाता है ये देख के, जो सामने होगा तो काम ऐसे ऐसे। देखिए बिल्कुल कोई नया आदमी ही खोले घर पे वो तो हो नहीं सकता देखिए, लेकिन मैकेनिक है जिसको जो बाइक का काम करता है उसके लिए एक्टिवा का अगर मुश्किल हो जाता थोड़ा सा तो वो उसके लिए बड़ी हेल्पफुल वीडियो है ये, लेकिन स्किप नहीं करना वीडियो पूरी देखना। मैं बिल्कुल लाइव दिखाने लग रहा हूँ, हमारे पास स्कूटी का ज़्यादा काम है, इलेक्ट्रिक भी और वैसे बाइक का भी है लेकिन स्कूटी के हम स्पेशल हैं। तो देखिए क्रैंक का लगभग काम देखो हमारा पूरा हो चुका है, अभी टाइम भी कुछ नहीं लगता इसमें अगर आपको नॉलेज है तो। अभी हम इसमें व्हील
का ये पीछे जो व्हील है, अब इसके लिए देखो लेकिन दोस्तों वीडियो स्किप नहीं करना, वीडियो स्किप करोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। अब देखो सिर्फ 5 मिनट लगे हैं हमारे, सिर्फ 5 मिनट, और अगर थोड़ी सी भी अगर नॉलेज नहीं होगी किसी मैकेनिक भाई ने एक्टिवा की तो वो इसमें 5 दिन भी लगा सकता है जिस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी उसमें, ठीक है। तो बस मेरा मकसद यही था दिखाने का, और थोड़ा सा लंबी वीडियो बन जाती नहीं, मैं कंप्लीट इंजन करते हुए दिखाता लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी उसमें, नहीं तो मैं वीडियो पूरी की पूरी जो आगे भी इंजन जो आगे ब्लॉक फिट करेंगे हेड को फिट करेंगे तो मैं पूरा दिखाता। तो अब क्या करें, क्रैंक को करके ये फिट कर लिया, अब इसका स्टैंड टायर लगा लिया, स्टैंड लगा लिया, फिर गाड़ी हो जाएगी खड़ी अपने पैरों पर, फिर आप और काम करते रहिए, ठीक है। बाकी आज क्रैंक का ही दिखाना था दोस्तों, इतनी बहुत है, इतना काफ़ी है आपका, क्रैंक का लगभग काम हो चुका है आगे ऊपर, तो अभी और फिटिंग होगी इसकी। थैंक यू, धन्यवाद। जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और हमें हौसला दीजिए, थोड़ा लाइक शेयर कीजिए। टाइम टाइम पे आगे मैं वीडियो डालता रहूँगा, जैसा भी मैं मेरे को लगेगा ये इस काम की वीडियो डालनी चाहिए तो मैं वीडियो बिल्कुल डालूँगा, बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू, बाय बाय।